वेलकम टू एम के बी स्पेशल टेक एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम DFCCIL की जो स्टडी कर रहे थे, DFCCIL के ऑब्जेक्टिव हम पढ़ रहे थे, उसको आगे प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपने भी जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल का फॉर्म फिल किया हुआ है तो केवल आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके आल के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगला क्वेश्चन था हमारा, दो शाफ्ट को जोड़ने वाली यूनिवर्सल कपलिंग उपयोग में लाई जाती है। जो दो शाफ्ट को जोड़ते हैं उसमें यूनिवर्सल कपलिंग उपयोग में लाई जाती है, जो क्या हो। ऑप्शन नंबर ए है, पूर्ण रूप से संरेखीय हो। बी है, जो पूर्ण रूप से संरेखीय ना हो, जिनके पार्श्व असंरेखीय हो, जिनके अक्ष एक छोटे कोण पर एक दूसरे को काटते हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि जिनके अक्ष एक कोण पर एक दूसरे को काटते हो। यहाँ पर यूनिवर्सल कपलिंग ऐसी यूज में लाई जाती है दो शाफ्टों को जोड़ने के लिए। तो LMRC के क्वेश्चंस में पूछा गया था ये, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो यूनिवर्सल कपलिंग या सॉकेट कपलिंग का प्रयोग ऐसी शाफ्टों को जोड़ने के लिए किया जाता है जिनकी अक्षें किसी कोण पर एक दूसरे पर मिलती हैं। शक्ति संचारण के समय इन शाफ्टों का यह कोण स्थिर रह सकता है या परिवर्तित हो सकता है। इसका प्रयोग ऑटोमोबाइल गाड़ियों में गियर, रियल एक्सल आदि बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से खालिस्तान पुली द्वारा विभिन्न गतियां प्राप्त की जाती हैं। सॉलिड पुली, स्टेप कॉर्न पुली, जॉकी पुली या स्पिल्ट पुली। तो आपका 65 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी मिल जाता है, स्टेप कॉर्न पुली। यानी स्टेप कॉर्न पुली द्वारा विभिन्न गतियां प्राप्त की जाती हैं, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, फास्ट पुली उसे कहते हैं, जो कि VHAL हैदराबाद में क्वेश्चन आया हुआ है। फास्ट पुली जो होती है शाफ्ट पर की द्वारा फिट रहती है, तेज घूमती है, स्वतंत्र चलती है या विभिन्न स्टेप्स है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिखाई दे रहा है कि शाफ्ट पर की द्वारा फिट रहती है उसे फास्ट पुली कहते हैं। तो जो फास्ट पुली होती है वो शाफ्ट पर की द्वारा फिट होती है ना। लूज पुली किसे कहते हैं, आपको बताना है कि जो लूज पुली होती है वो कौन है। शाफ्ट पर फिट है, जिस पर वी ग्रूव है, स्वतंत्र घूमती है या शाफ्ट को पावर ट्रांसमिट करती है। तो लूज पुली उसे कहते हैं जो स्पिंडल पर स्वतंत्र रूप से घूमती है। अगला क्वेश्चन है, दो शाफ्टों को एक सीध में जोड़ा जाता है, जो कि मजगांव डॉक लिमिटेड में ये क्वेश्चन आया हुआ था फिटर ट्रेड वाले कैंडिडेट्स के लिए। दो शाफ्टों को एक सीध में जब जोड़ा जाता है तो यहाँ पर कपलिंग का कार्य होता है। कपलिंग का कार्य दो शाफ्टों को जोड़कर पावर सप्लाई करते समय उन्हें एक यूनिट की तरह घूमने योग्य यानी स्थायी रूप से बनाया जाता है। जब पावर ट्रांसमिशन के 7 मीटर से अधिक लंबाई के शाफ्ट की जरूरत होती है तो वहां पर कपलिंग की सहायता से दो शाफ्टों को जोड़ दिया जाता है। तो आंसर आपका जो है हो जाएगा कपलिंग, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि बेल्ट की मूवमेंट पुली की बाहरी सतह के संपर्क पर निर्भर करती है, इस संपर्क के क्षेत्र को क्या कहते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़िए कि बेल्ट की मूवमेंट पुली की बाहरी सतह के संपर्क पर निर्भर करती है, इस संपर्क के क्षेत्र को क्या कहते हैं। क्रीपिंग, ड्रेसिंग, क्राउनिंग या स्लिपिंग। तो ऑप्शन नंबर ए आपको मिल जाता है, जो कि क्या है, क्रीपिंग है। तो बेल्ट के मूवमेंट पुली की बाहरी सतह के संपर्क पर निर्भर करती है, इस संपर्क के क्षेत्र को क्रीपिंग कहते हैं। ओके, तो बेल्ट ढीली होकर दाएं अथवा बाएं सरकती है, इसको बेल्ट की क्रीपिंग कहते हैं। बेल्ट की क्रीप, क्रीप ऑफ द बोल्ट, जब चालक पुली चलित पुली को खींचती है तो खींचने वाली साइड की बेल्ट की लंबाई बढ़ जाती है, जो कि स्लैक साइड में पहुंचकर उसे ढीला कर देती है। बेल्ट की लंबाई के इस परिवर्तन को बेल्ट की क्रीपिंग कहते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लेट कपलिंग में शाफ्टें शुद्ध अलाइनमेंट में जुड़ी होती है, यह खालिस्तान वर्ग में आती हैं। प्लेट कपलिंग में जो शाफ्टें होती हैं शुद्ध अलाइनमेंट में जुड़ी होती हैं, और ये जो प्लेट फास्ट या रिजल्ट कपलिंग में आती हैं, जो प्लेट कपलिंग होती है वो फास्ट या रिजल्ट कपलिंग में आती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। इसको स्पेसिफाई करेंगे, दोनों शाफ्टों को पूर्ण रूप से कार्य में सुचारू रूप से चलाने के लिए सबसे उपयोगी प्लेट कपलिंग होती है। शाफ्ट को शाफ्ट तथा हब के बीच की के साथ पकड़ा जाता है, ये फास्ट या रिजल्ट कपलिंग के वर्ग में आती हैं, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि प्लेट कपलिंग में शाफ्टें शुद्ध अलाइनमेंट में जुड़ी होती हैं, यह किस वर्ग में आती हैं, तो फास्ट या रिजिड वर्ग में आती हैं। और ये क्वेश्चन लगातार 3 वर्षों तक पूछा गया है, आप देख सकते हैं, RRB रांची में।
निम्न में से कौन का फास्ट या रिजिड कपलिंग नहीं है? अभी BHEL हैदराबाद में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि कौन फास्ट या रिजिड कपलिंग नहीं है, मफ कपलिंग, सॉलिड फ्लैंज कपलिंग, कंप्रेशन कपलिंग या कला कपलिंग। तो कला कपलिंग फास्ट या रिजिड कपलिंग नहीं है। फास्ट या रिजिड कपलिंग के अंतर्गत कपलिंग में जो साप्टों का अलाइनमेंट होता है वो बहुत ही शुद्ध होता है। इसके लिए निम्नलिखित कपलिंग होती है, मफ कपलिंग, हाफ लेस मफ कपलिंग, स्प्लिट मफ कपलिंग, फ्लैंज कपलिंग, सॉलिड फ्लैंज कपलिंग और कंप्रेशन कपलिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कला कपलिंग इनमें नहीं है। यूनिवर्सल कपलिंग किस वर्ग में आती है? अब बता दीजिए कि यूनिवर्सल जो कपलिंग होती है वो किस वर्ग में आती है। फ्लेक्सिबल कपलिंग, लूज कपलिंग, फास्ट या रिजिड कपलिंग, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए मिल जाता है कि जो यूनिवर्सल कपलिंग होती है वो फ्लेक्सिबल कपलिंग में आती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लूज कपलिंग है? हाफ माप कपलिंग, प्लेट कपलिंग, सेफ्टी या स्लिप टाइप कपलिंग, फ्लैंज कपलिंग। तो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री फिटर ट्रेड से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से लूज कपलिंग है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, सेफ्टी या स्लिप टाइप जो कपलिंग है वो लूज कपलिंग है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है कि जहां दो साप्टें एक सीध में ना हो और उनको जोड़ना हो तो किस प्रकार की कपलिंग प्रयोग में ली जाती है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको इसका करेक्ट आंसर पता चल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आई बटन पर भी लिंक लगा दिया है, वहां पर जाकर आप पिछले क्वेश्चंस को देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर जहाँ दो साप्टें एक सीध में ना हो और उनको जोड़ना हो तो हम फ्लेक्सिबल कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अगला है, फास्ट एंड लूज पुली प्रयोग करते समय जब बेल्ट लूज पुली पर की जाती है तो क्या होता है। ऑप्शन नंबर आप ए देख पा रहे हैं, मशीन चलते रहती है, काउंटर साफ्ट चलती नहीं है, मशीन बंद होती है। काउंटर साफ्ट चलती है लेकिन मशीन बंद होती है, या काउंटर साफ्ट बंद होती है लेकिन मशीन चलती रहती है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी यहां मिल जाता है, जो बी है कि काउंटर साफ्ट चलती नहीं है बट मशीन बंद होती है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। ये किस में? फास्ट और लूज पुली प्रयोग करते समय जब बेस्ट या बेल्ट लूज पुली पर की जाती है तो। अब जॉकी पुली का दूसरा नाम आपको पूछ लिया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लूज पुली, फास्ट पुली, आइडलर पुली है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जॉकी पुली का दूसरा नाम आइडलर पुली है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया भाइयों। जॉकी पुली को फिट किया जाता है, जॉकी पुली को ड्राइवर पुली के साथ, ड्रिवन पुली के साथ, ड्राइवर पुली की ढीली बेल्ट साइड की तरफ, ड्रिवन पुली की बेल्ट की टाइट साइड की तरफ। तो जॉकी पुली को ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे हैं, ड्राइवर पुली की ढीली बेल्ट साइड की तरफ, है ना। आपको ऑप्शन नंबर सी ही लगाना है, जॉकी पुली को ड्राइवर पुली की ढीली बेल्ट की साइड की तरफ फिट किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उच्च स्पीड पर मशीनों को ध्वनि रहित ऑपरेशन के लिए कौन सी चेन प्रयोग में लाई जाती है? बताइए, उच्च स्पीड पर मशीनों को ध्वनि रहित ऑपरेशन करने के लिए आप लाते हैं साइलेंट चेन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मिलता है। फॉलोअर से क्या तात्पर्य? चलने वाला पार्ट, गियर ट्रेन, फीडर या आइडलर गियर। तो जो फॉलोअर होते हैं वो चलने वाला पार्ट होता है ना। अगला क्वेश्चन है, पुली के केंद्र से केंद्र की दूरी बड़ी पुली के ब्यास से कितना गुना से कम नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मिल जाता है, दो गुने से कम नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन विजाग स्टील प्लांट में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया है, लचीले कपलिंगों का प्रयोग किया जाता है कहाँ? लचीले कपलिंगों का प्रयोग जो होता है अल्प ऊर्ध्वाधर और पार्श्विक संयोजन में सावधानी रखने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग ऐसी साफ्ट को जोड़ने के लिए किया जाता है जिनकी अक्षें एक सीध में नहीं होती, जैसे ओम कपलिंग। ओके, ओडम कपलिंग। तो सार्वत्रिक युग्मन किन दो साफ्ट को जोड़ने के लिए किया जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी की, जिनके अक्ष किसी छोटे कोण पर परस्पर काटते हों, इसके लिए हम यूनिवर्सल कपलिंग जो होता है यूज करते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन UPRVNL में आया हुआ है। दोस्तों अगले जो क्लास होगी उसमें हम गियरों के बारे में चर्चा करेंगे, गियरों से जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे उनके बारे में बात करेंगे। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर आल के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना, जिससे कि हमारी सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।